आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव लखमन नगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से 25 किलोमीटर है। 1500 वोट और 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव के प्रधान इंद्रपाल सिंह हैं। बताते चलें कि अपने अच्छे विकास कार्यों के कारण लगातार दूसरी बार गाँव के प्रधान चुने गए हैं। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के लखमन नगला ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं जी। हाँ, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवाए हैं? सबसे पहला विकास कार्य है मेरी ग्राम पंचायत लखमन नगला में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, ग्राम प्रधान लखमन नगले से हूँ, ब्लॉक स्वार जिला रामपुर का स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से मैंने सभी ग्रामवासियों को एकत्र कर इकट्ठा करके माताओं को बहनों को सबको समझा बुझा कर सफाई है तो सब कुछ है, जल है तो कल है, सरकार का है। स्वच्छता मिशन अभियान है उसे आप पूरी तरह से 100% कारगर कर रहे हैं अपनी पंचायत। 100% तक जहां तक मुझसे हो रहा 100% मैं सोच रहा हूं कि मेरे गांव में अगर स्वास्थ्य सही होगा तो एक सफाई से सही होगा जी। और जब स्वास्थ्य सही होगा तो हम लोग सब सही होंगे जी। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ है स्वास्थ्य, पानी, हवा, ये अगर हमें मिलती रहेंगी तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी जी। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे गांव में अब कोई भी आदमी सोच के लिए माता बहन बाहर नहीं जाती है। अगर कोई बुजुर्ग शौचालय हमने सबको बनवा दिए हैं अपने गांव पंचायत में, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग जाता है तो उसको बुलाते हैं, बैठाते हैं, समझाते हैं, भैया इससे ये नुकसान होता है, कीटाणु फैलते हैं, जीवाणु निकलते हैं, इस चीज़ को यूज मत करो। घर के अंदर टॉयलेट बनी हुई है, शौचालय गवर्नमेंट ने बनवाया है, उसको यूज करो। और शौचालय का पानी के लिए हमने सोखते बनवाए हैं ताकि आने वाले कल के लिए जो पानी है वो ज़मीन के अंदर जाए और वाटर लेवल अगर हमारा ऊपर बढ़ता है तो हमारा तो नहीं मिल पाई है। और हमने अपनी पूरी करनी करी है, पूरे कागज़ बनवा कर जिले तक भिजवा दिए हैं, लेकिन अभी आवासों की कोई योजना कितने परिवार हैं नहीं है। कम से कम मेरी पंचायत में 28 या 29 परिवार ऐसे हैं जो अभी खुले में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं जी। 28-29 जी है हमारे यहाँ। केंद्र सरकार की जो योजनाएं जैसे सरकार चलाती है, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसान सम्मान निधि, जो पैसा सरकार दे रही है खातों में, तो इन योजनाओं का लाभ आपके गाँव में सभी को मिल पाता है? अगर केंद्र सरकार की जैसे किसान सम्मान निधि है जी, तो पहले मान लिए प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े किसान थे उनके लिए ये बात रखी थी कि उनको ये निधि नहीं मिलेगी और उससे छोटे वालों के लिए सबको निधि मिलेगी। कुछ लोगों के अकाउंट गलत हो गए हैं, किसी वजह से कोई खाते ख़राब हो गए हैं या ऑनलाइन में कोई गड़बड़ी हो गई है, उनके खाते में पैसा नहीं आया है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खाते में पैसा आया है। और जब सांसद का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चुने गए तो उन्होंने अपने भाषण में ये बोल दिया कि अब जो भी किसान है वो चाहे कम भूमि वाला हो या ज़्यादा भूमि वाला हो, ये निधि सभी को मिलेगी। तो जो हमारे गांव में किसान बंधु बचे हुए थे हमने उनके भी अप्लाई करा दिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका एक पैसा जल्द आ जाए जी। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूल में क्या क्या काम आपने जो है करवाए हैं? स्कूल के अंदर हमने टाइल्स लगवाई है, जनता के लिए पूरी तरह से आप हर समय उनकी मदद के लिए तैयार हैं, 24 घंटे तैयार। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में ही नहीं बल्कि पिछले 5 वर्षों में भी इन प्रधान जी द्वारा करवाया गया है, जैसे कि RCC रोड, टाइल्स और सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास यहाँ केवल एक मिला है, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF है, साफ सफाई और पानी की व्यवस्था यहाँ हमने भी देखा है काफ़ी अच्छे स्तर पर है। इसके अलावा यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं अभी भी बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बारात घर की अति आवश्यकता है जिसके लिए प्रधान ने मांग रखी है, प्रस्ताव भी रख चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो है ये खेल के मैदान को लेकर भी मांग रखते हैं, इसके साथ ही सामुदायिक केंद्र के लिए, अस्पताल के लिए भी यहाँ इन्होंने मांग रखी है। अशरफ अली के साथ में नाजरीन, टुडे 24 से।